नमस्कार मित्रों, मैं अनुज कुमार आज आपको वर्ण विचार के अंतर्गत अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष व्यंजन के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। वायु प्रक्षेप की दृष्टि से या प्रयत्न के आधार पर व्यंजन दो तरह के होते हैं। महाप्राण और अल्पप्राण। अधिकतर पुस्तकों में प्रयत्न के आधार पर ही लिखा जाता है कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजन दो तरह के होते हैं, महाप्राण और अल्पप्राण। लेकिन कई जगह वायु प्रक्षेप भी लिखा जाता है कि वर्णों के उच्चारण में, व्यंजनों के उच्चारण में वायु का उत्पादन या वायु का मुख से निष्कासन कितना होता है, कम होता है या ज्यादा होता है। इसके आधार पर व्यंजन दो तरह के होते हैं, महाप्राण और अल्पप्राण। हालांकि ये जो वर्गीकरण किया गया है अल्पप्राण महाप्राण व्यंजनों के आधार पर, लेकिन व्यंजन की सीमा को पार करके स्वर में भी चला जाता है, ये आपको ध्यान देना है। और हम आपके बारे में बताएंगे कि कुछ व्यंजन अल्पप्राण होते हैं, कुछ व्यंजन महाप्राण भी होते हैं। हालांकि अपवाद स्वरूप है, ज्यादा नहीं है, लेकिन एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं। चलिए आइए चलते शुरू करते हैं। देखिए इसमें है प्राण शब्द है, प्राण का मतलब यहां होगा हवा, वायु। महा मतलब ज्यादा और अल्प मतलब कम। तो अल्प प्राण महाप्राण का सिंपल अर्थ हुआ है कि कुछ व्यंजनों के उच्चारण में कम मात्रा में वायु का उत्पादन होता है या मुख से निष्कासन होता है, उसको अल्पप्राण कहेंगे। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक मात्रा में वायु का उत्पादन या मुख से वायु का निष्कासन होता है, उसे महाप्राण कहेंगे। चलिए यहां हम मेंशन करते हैं महाप्राण। महाप्राण का सिंपल मीनिंग है अधिक मात्रा में वायु का उत्पादन होगा, जो मैंने अभी बताया। क्योंकि प्राण का मतलब यहां हमने हवा होता है, हालांकि प्राण का मतलब एक जीवन है, वो हमारा टॉपिक नहीं है। क्योंकि हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके कई मीनिंग होते हैं, और कौन सा अर्थ कब लिया जाए ये परिस्थिति विषय के संदर्भ में निकलता है। महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक मात्रा में वायु का निष्कासन होता है और हकार यानी ह, या इसे हम ह जैसी ध्वनि भी कह सकते हैं, ह जैसी ध्वनि हकार उत्पन्न होता है। महाप्राण की परिभाषा है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक मात्रा में वायु का उत्पादन निष्कासन होता है और ह जैसी ध्वनि या हकार उत्पन्न होता है, उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। देखिए हमने यहां व्यंजन लिखा, लेकिन अल्पप्राण महाप्राण व्यंजन की सीमा को पार करके स्वर में भी चला जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अब महाप्राण कौन से वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं, ये बता रहे हैं आपको।
हालांकि महापुराण अल्प पुराण की जो परिभाषा है उसमें कुछ अपवाद भी है और अपवाद से क्वेश्चन किए जाते हैं, वो हम आपको बताएंगे। अपवाद पर ध्यान देना है। देखिए महापुराण प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा व्यंजन, दूसरा और चौथा व्यंजन उष्म व्यंजन तालव्य स मूर्धन स दंत स ह तथा अह जो स्वर है इसको हम अयोगवाह भी कहेंगे, आपको बता चुका हूं। महाप्राण होते हैं, यानी महाप्राण कौन कौन से व्यंजन होते हैं, वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा व्यंजन, हम इसे आपको चार्ट बनाकर भी दिखाएंगे। उष्म व्यंजन तालव स मूर्धन स दंत स ह तथा अह, ये जो है महाप्राण है। देखिए सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, लेकिन एक स्वर अह, हालांकि ये स्वर और व्यंजन के बीच माना गया, अयोगवाह माना गया है, फिलहाल अभी हम इसको स्वर मान लेते हैं, ये जो है महाप्राण है, बाकी सभी स्वर जो है अल्प प्राण है। देखिए महाप्राण कौन कौन है इसका हम एक चार्ट से आपको बताते हैं। इसमें कुछ एक ट्रिक भी है और सिंपल ट्रिक है, ट्रिक से आप जल्दी समझ जाइएगा। अल्प प्राण महाप्राण की परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है, उसमें एक ट्रिक है, आप ट्रिक लगाकर बता सकते हैं कि व्यंजन या स्वर भी अल्प प्राण होगा कि महाप्राण होगा, दिमाग नहीं लगाना है, वो हम आपको मंत्र बता रहे हैं, महाप्राण का चार्ट बना रहे हैं। देखिए महाप्राण, क ख ये वर्गीय व्यंजन है। मैंने बताया कि वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा ये महाप्राण है। कैसे, देखिए इसका एक ट्रिक है, इस व्यंजन को हम अंग्रेजी में लिखते हैं तो जिस व्यंजन को अंग्रेजी में लिखने में एच लग जाता है वो महाप्राण होगा। एच मीन्स ह, जब ह का उच्चारण करेंगे तो अधिक मात्रा में वायु का उत्पादन होता है। मैंने पहले बताया कि महाप्राण व्यंजन को बोलने में अधिक मात्रा में वायु का उत्पादन होगा, अगर किसी व्यंजन में एच लगेगा तो ह बोला जाएगा और ह जहां बोला गया तो अधिक मात्रा में वायु का उत्पादन होगा। देखिए इसको अंग्रेजी में के से क के एच ख, जी से ग जी एच घ, तो इन व्यंजनों को अंग्रेजी में लिखने में एच लग रहा है तो यह महाप्राण है, और जिनमें एच नहीं लगा है जिसे क ग ड, यानी पहला तीसरा और पांचवा अल्प प्राण हो गया। हालांकि हम अल्प प्राण के बारे में विस्तार से बाद में बताएंगे, पहले महाप्राण के बारे में सुन लीजिए। प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण होता है, इनके बोलने में अधिक मात्रा में वायु का उत्पादन होता है। क की अपेक्षा ख बोलने में ह का साउंड हुआ और अधिक मात्रा में वायु का उत्पादन हुआ, फिर घ बोलने में अधिक मात्रा का वायु का उत्पादन होता है,
क ग ड़ बोलने में अधिक मात्रा में वायु का उत्पादन नहीं होता है। अब आपको लगे कि व्यंजन अल प्राण है कि महाप्राण है, उसको अंग्रेजी में लिख देना है। अगर अंग्रेजी में लिखने से एच लग गया है तो महाप्राण हो गया, दिमाग नहीं लगाना है। हालांकि अपवाद भी है, अपवाद हम आपको बताएंगे, पहले बेसिक रूल्स देखिए। अगर आपसे पूछे कि त अल्प प्राण है कि महाप्राण है, सूत्र याद नहीं है, परिभाषा याद नहीं है, आपको त को अंग्रेजी में लिखना है, त टी लिखा गया, त था और ट था अंग्रेजी में लिखते तो एक ही बात है, तो त को टी लिखा गया अंग्रेजी में, तो इसमें एच नहीं है तो अल्पप्राण हो गया। अगर मान लिया जाए था बोला गया कि था अल्पप्राण है कि महाप्राण है, बस दिमाग नहीं लगाना है, परिभाषा पे दिमाग नहीं जोड़ रहे, इसको अंग्रेजी में लिखना टी एच था, एच लग गया तो महाप्राण हो गया। अब देखिए अपवाद क्या है, अपवाद बताते हैं। तीन अपवाद है, देखिए च, इसको अंग्रेजी में सी एच लिखा जाता है, लेकिन मैंने बताया कि जिसमें एच लग गया वो महाप्राण होते हैं, तो च अपवाद है। च अपवाद कैसे है कि च में एच लगने पर भी अल्प प्राण माना गया है, यानी च बोलने में वायु का उत्पादन कम होता है, तो अपवाद इसलिए कि जब अंग्रेजी हम लिखे तो इसमें एच लगा है, एच लगने पर भी ये अपवाद है, यानी अल्प प्राण है, महाप्राण नहीं है। इसके बजाय देखिए जब छ लिखते हैं सी डबल एच, थोड़ा क्लियर हो गया, अब पता लग गया कि च जो है अल्प प्राण है। दूसरा है दंत स, इसको अंग्रेजी में एस लिखा है, ये महाप्राण है, महाप्राण है, हालांकि इसमें एच नहीं है, एच नहीं होने पर भी महाप्राण है, और च में एच होने पर भी अल्प प्राण है, ये दो अपवाद है। तीसरा अपवाद है क्या है कि आह, यानी इसको अंग्रेजी में ए एच लिखेंगे, ये अपवाद है इसलिए है कि सभी स्वर अल्प प्राण है, सभी स्वर अल्प प्राण है और आह जो है महाप्राण है, यही तीन अपवाद है अल्प प्राण और महाप्राण में। फिर से बता देते हैं, च में एच लगने पर भी अल्प प्राण है, स एच नहीं होने पर भी महाप्राण है, सभी स्वर अल्प प्राण है लेकिन अल्प ये आह जो है महाप्राण है। अब महाप्राण का मतलब समझ गए होंगे। अब बाकी जो व्यंजन बच गए, स्वर हो या व्यंजन, सभी अल्प प्राण है, क्योंकि उनके लिखने में जब उसे अंग्रेजी में लिखते तो किसी में एच नहीं लगता है, अल्प प्राण हो गए। जिसको अंग्रेजी में लिखने में एच लग रहा है महाप्राण, एच नहीं लग रहा है तो अल्प प्राण। महाप्राण का बारे में क्लियर हो गया, अब हम अल्प प्राण की बात बता रहे हैं। चलिए अल्प प्राण, अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में अल्प मात्रा में वायु का उत्पादन या निष्कासन भी कह सकते हैं, निष्कासन होता है, और हकार, हकार मतलब ह जैसी ध्वनि, बता चुका हूं, हकार उत्पन्न नहीं होता है, उसे अल्प प्राण कहते हैं, इसको बिंदु रेखा डॉट लाइन उसे अल्प प्राण कहते हैं। वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा
और पांचवा व्यंजन, पांचवा का स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा ऐसे लिखा जाता है। इसके अलावा अल्प प्राण होता है, देखिए क ख ग घ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। देखिए प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का पहला तीसरा पांचवा, इनको जब अंग्रेजी में लिखते हैं तो एच नहीं लगता है, इनके बोलने में ह का उच्चारण नहीं होता है या मुख से अधिक मात्रा में वायु का उत्पादन नहीं होता है, अल्प मात्रा में होता है, अल्प प्राण है। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन चार हैं, य र ल व, ये अल्प प्राण है, य र ल व अल्प प्राण है। पहला तीसरा पांचवा व्यंजन अल्प प्राण है। इसके अलावा सभी स्वर अल्प प्राण है, आ आ हरसई दीर्घई हरसऊ दीर्घऊ री ए आय ओ आओ और अंग अह नहीं, ये तो महाप्राण है। ये सारे जो है लगभग सभी स्वर अल्प प्राण है। अब अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में समझ गए तो मित्रों आज भर इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।